नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दुरान कुलने स्थित एक रेलवे के मकान में आसनसोल रेल मंडल हेरिटेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस घर में फिलहाल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा का कार्य चल रहा है। मंगलवार को DRM सुमित सरकार ने उक्त घर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग इस पर नई तरह से काम कर रहे हैं। पहले तो आपको यह बता दें कि यह बिल्डिंग एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसको हम लोग रिनोवेट कर सुंदरीकरण में बदल रहे हैं। दूसरी ओर इस पर हम लोग बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे आयुर्वेदिक और साथ ही साथ होम्योपैथी का चिकित्सा चल रहा है। इसी के ऊपर विभाग में इस घर के सेकेंड फ्लोर में हम लोग योग और मेडिटेशन का कार्य शुरू करेंगे, जिससे समस्त रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस तरह का और भी कार्यक्रम हम लोगों को करना है, मगर अभी पूरे देश भर में कोरोना वायरस का खौफ चल रहा है, इसलिए थोड़े धीमी गति से हम लोगों का काम हो रहा है। मगर हम लोग इस खौफ से उभरने के बाद काफ़ी तीव्र गति से काम करेंगे। आज इसी के पहल के लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आगे का कार्य किया जा सकेगा, ताकि हमारे रेल कर्मी स्वस्थ रह सकें। सर, किस लिए आज यहाँ पर विजिट किया सर? क्या इसको क्या बनाएंगे, क्या रोटेट कर देंगे, कब ये? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुराना है, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं। होम्योपैथी एज वेल एज आयुर्वेदिक का डॉक्टर्स बैठते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। और फर्स्ट फ्लोर में जो है हम लोग सब कुछ सबको मिल के डिसाइड किया है कि इसको एक योगा एंड मेडिटेशन सेंटर करेंगे फर्स्ट फ्लोर में, ताकि हम लोग का रेलवे स्टाफ या बाहर का भी स्टाफ आके थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और बाकी सराउंडिंग एरिया भी हम लोग ठीक करा रहे हैं। तो ये इंटेंशन है। तो सर, यहाँ पे तो सर काफ़ी इस तरह के क्वार्टर हैं, तो उनको सर उनको भी इस तरह का कि अलग अलग सर? हाँ, इसको पहले लिया हुआ है, देखते हैं और क्वार्टर्स में अगर होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे उसको। ये सर रेल का सुंदरीकरण का काम कब तक सर? अभी देखिए, अभी पूरा विश्व में जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स में जा रहे हैं हम लोग, तो पहले इसको थोड़ा सा उभरने दीजिए, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोग बाकी सोचेंगे। अभी तो सभी का मेंटल स्टेट उतना अच्छा नहीं है, आप लोग सभी को पता है, तो हम लोग सबको दुआ करते हैं कि सभी को ठीक हो जाए और हम लोग सब स्वस्थ रहें, आपका फैमिली भी स्वस्थ रहे, तो वही हम लोग का सभी का आशा प्रार्थना हम लोग करते हैं, तो कोविड से हम लोग उभर जाए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे बाकी का।